इंदौर की स्वर्ण मग कॉलोनी की मल्टी में लगी आग लगाने के आरोपी संजय उर्फ शुभम दीक्षित को पुलिस ने शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पकड़े जाने के बाद आरोपी को अंजाम देना कबूल करा। उसने बताया कि वो मल्टी में रहने वाली एक युवती से प्यार करता था और उसी से विवाद के चलते उसने गाड़ी में आग लगाई। पुलिस से बचने के चक्कर में उसके हाथ पैर भी टूट गए, जिसके बाद पुलिस उसे घायल हालत में देर रात MY अस्पताल लेकर पहुंची। आरोपी ने कबूल करते हुए कहा कि मैं सना नाम की लड़की से बहुत परेशान हो गया था। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने मेरे से खूब खर्चा करवाया और बाद में पता चला तो दूसरों से भी इसी तरह से पैसे लेती है। मैंने उसे सारे रिश्ते खत्म करना चाहा, लेकिन वो मुझे छोड़ती ही नहीं थी। वो मुझे अक्सर ही पैसे ही मांगती रहती थी। मैं उसकी गाड़ी की सीट जलाने गया था, लेकिन वहां सारी गाड़ियों में आग लग गई। इस बारे में थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया है कि शनिवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 74 के समीप आरोपी संजय घटना के बाद लगातार अपने दोस्त विशाल से फोन पर संपर्क में था। वही घटना के CCTV फुटेज मिलने के बाद ये साफ हो गया था कि किसी सफेद शर्ट वाले युवक ने गाड़ियों में आग लगाई है। पुलिस को इलाके की रहने वाली युवती ने इस घटना के पीछे सरफिरासी के संजय के बारे में बताया तो पुलिस चौंक गई और वहीं रहने वाली सना को लेकर थाने आई। देर रात तक उससे पूछताछ करने पर पूरा घटनाक्रम साफ हो गया। आरोपी का मोबाइल रात 9 बजे तक चालू था और वो लगातार अपने दोस्त से बात कर रहा था, जिसकी लोकेशन ट्रैक करके आरोपी संजय दीक्षित को पुलिस ने लसूड़िया इलाके के निरंजनपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये एक तरफा प्रेम का संबंध है। आरोपी इसी बिल्डिंग में रहने वाली युवती से प्यार करता है। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, लेकिन वो उसी से शादी करना चाहता था और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। युवती से भी पूछताछ की गई है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक संजय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाएगा, उसे पूछताछ में और भी खुलासे होंगे। वहीं CCTV फुटेज में शुक्रवार रात 2:54 पर सफेद शर्ट पहने एक युवक आता दिखाई दिया, जिसके पार्किंग वाहन में खड़े एक वाहन से पेट्रोल निकाला और वहीं आग लगा दी। इसके बाद आरोपी फुटेज में जाता हुआ भी दिखाई दिया। कुछ देर बाद युवक फिर से इमारत में आया। वो मल्टी में लगे CCTV कैमरे और बिजली के मीटर के साथ छेड़छाड़ करता दिखाई दिया। हालांकि स्वर्णबाग की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके CCTV पूरी तरह से जल गए थे। पुलिस ने इस क्षेत्र से 3 घरों के CCTV फुटेज और DVR बरामद किए थे। तुम्हारा आग तुमने लगाई? क्यों लगाई थी? क्यों लगाई बता भाई। लड़ाई हो गई थी? क्या प्यार करते तुम उससे? क्या प्यार मोहब्बत का लफड़ा था क्या? कितने सालों जानते थे उसको? एक साल से। पैसे का लेन देन था तुम्हारा कुछ? हाँ सर, लड़ा से काफी पैसे दिए थे। काफी पैसे दिए थे सर। राजवाटिका विवाह घर सर सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।